तो आज के वीडियो में मैं आपको मरमेड स्टाइल साड़ी ड्रेप दिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। देन जो दीपिका पादुकोण का बदतमीज दिल सॉन्ग है, उसमें उसने वो ड्रेप किया है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी वो ड्रेप, तो आज फाइनली मैंने वो डिसाइड किया एंड फाइनली मैंने ये वीडियो शूट किया है, तो प्रॉपरली मैंने दिखाई है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। लेट्स स्टार्ट द ड्रेप नाउ। इसके लिए मैंने ये ब्लैक कलर की ब्यूटीफुल सी साड़ी चूज़ की है। इस साड़ी को वेयर करने के लिए हाफ में तो आपको वैसे ही वेयर करना है जैसे हम नॉर्मली साड़ी वेयर करते हैं। जो भी सीन है वो सिर्फ जब आप प्लीट्स बनाते हैं तब है, तो आपको नॉर्मली इसको जैसे हम नॉर्मली साड़ी को टकिंग करना स्टार्ट करते हैं वहाँ से टकिंग करना स्टार्ट कर देना है। प्रॉपरली इसको टक कर लीजिए। अगर आपको हील्स पहनने वाले हैं आप, तो आप पहले ही हील्स पहन लीजिए एंड देन साड़ी को वेयर करना स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। तो कुछ इस तरह से साड़ी को लेके हम नॉर्मली जैसे साड़ी वेयर करते हैं यहाँ तक आपको वैसे ही, यहाँ तक क्या इसके बाद भी आपको वैसे ही साड़ी वेयर करनी है। तो या इसके बाद आपको पल्लू बना लेना है एंड प्लीज़ मेक श्योर कि पल्लू आप नॉर्मल जब साड़ी का पल्लू बनाते उससे थोड़ा छोटा पल्लू रखें, क्योंकि साड़ी अपनी जब नॉर्मल होती है तो जब आप वो प्लीट्स के यहाँ पे बना हो गए तो वहाँ पे प्लीट्स कम पड़ जाती है। तो इसके लिए मैं पहले ही आपको बता दूँ कि आप प्लीज़ अपना जो पल्लू है उसको थोड़ा छोटा रखिए ताकि आपको प्लीट्स के यहाँ पे ज़्यादा जगह मिले। यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने पिनअप कर लिया है। अगर आपने ब्लाउज़ पहन लिया है पहले से जो आप पहनने वाले हैं, तो आप उसको पिनअप कर लीजिए। मैंने नॉर्मल पिन लगा के छोड़ दिया इसको, ऐसे जब मैं ब्लाउज़ वेयर करूँगी तब मैं इसको पिन करने वाली हूँ। कुछ इस तरह से आपको ये ले लेना है। नाउ यहाँ से मेन थिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आपको वो पहला वाला जो बॉर्डर है उसको पकड़ के नीचे वाला बॉर्डर को आपको वहाँ तक लेके आना है। तो इसके लिए ये करते वक्त जैसे हम प्लीट्स बनाते हैं हम प्रॉपरली थोड़ी थिन रखते हैं, तो जितना आप उसको कम रख सके उतना कर लीजिए। जैसे मैं कर रही हूँ तो प्लीट्स करते उस तरह से कुछ ले लीजिए, एकदम से ही ऊपर मत खींच लेना वरना आपको पिन लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। एंड यहाँ पे वही सीन है कि आपको पिन लगाना है तो कभी कभी पिन की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो ना हो इसलिए पिन बड़े ले लीजिए एंड कुछ इस तरह से अच्छे से उसको ऊपर तक ले लीजिए। प्लीज़ प्लीज़ बना के लेंगे तो दोनों बॉर्डर एक साथ अच्छे से आएंगे एंड वो पिन भी अच्छी तरह से लगेगा। तो कुछ इस तरह से एंड आपको टाइटली पकड़ के लेना है उसको, क्योंकि बाद में आप खींच नहीं पाओगे, तो इसलिए आपको पहले ही टाइट कर लीजिए। देन उन सारी प्लीट्स को जो आपने ऊपर तक लिए उनको एक पिन लगा लीजिए अच्छे से। ना मेरे पिन्स भी इस टाइम पे बहुत ख़राब थे तो प्रॉब्लम हो गई, बट प्लीज़ पिन्स अच्छे से ले लीजिए। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे पिन लगाया। नाउ इसको आपको अपने उस लेग के साइड में लेके या फिर मिडल के थोड़ा सा उधर लेके कुछ इस तरह से आपको वहाँ पे भी एक पिन लगा लेनी है अंदर से। तो ये आपके पेटीकोट एंड साड़ी को मिला के ऐसे आपको एक पिन लगानी है, इसलिए हमने ऑलरेडी एक पिन लगा लिए ताकि पूरा पिन वहाँ से ना लेना पड़े। तो प्लीट्स की पिन तो ऑलरेडी लग चुकी है, तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से उसको अच्छे से सेट कर लीजिए एंड टाइट बैठे ऐसे करके आप उसको एक पिन लगा लीजिए। ओके नाउ यहाँ हमारा आधा काम हो गया। प्लीज़ पिन्स की तरफ ध्यान रखिए, मेरा भी कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ है बट स्टिल ठीक है। तो यहाँ से आपको प्लीट्स बनानी स्टार्ट करनी है एंड इसकी वजह से मैंने रखा था, क्योंकि आपका बहुत सारा पार्ट ऊपर की तरफ चला जाता है तो आपको ज़्यादा प्लीट्स नहीं मिलती बनाने के लिए, तो इसलिए आपको पल्लू कम रखना है ताकि यहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा जगह मिल जाए। तो जिस तरह से हमने प्लीट्स बना ली है एंड नाउ इसको अच्छे तरह से सेट करके आपको टकिंग कर देना है। आप चाहे तो ऊपर की तरफ एक पिन लगा सकते हैं जहाँ पे आप टकिंग करने वाले हैं ताकि फिर से वो नीचे ना आ जाए। मेरी सारी का जो फैब्रिक है वो बहुत अच्छा है तो वो नहीं निकलेगा सरकेगा नहीं, इसलिए मैंने नॉर्मली उनको अंदर टकिंग कर लिया है। यहाँ पे आपको प्रॉपरली सेट करनी है, दैट्स ऑल अबाउट इट। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस पिन लगाने का चक्कर है एंड वे वेस्ट पे ही जो भी है वो है, बाकी का तो नॉर्मल साड़ी की तरह है। एंड हो गई आपकी साड़ी। We'll be right back.
for the video. If you like this video, then please like, share and subscribe to my channel. And उस bell button को दबाइए ताकि जब भी मेरा next video आए उसकी notification आपको मिल जाए. And thank you for watching this video. Bye bye.